के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शासन ने कानपुर देहात के डीएम, सीडीओ और विकास विभाग के अधिकारी प्रधान समेत 205 लोगों पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें, विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW में ग्राम प्रधानों के खातों से रुपये निकालकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। कानपुर देहात के अधिकारियों पर शिकंजा, भ्रष्टाचार मामले में शासन का कड़ा एक्शन। अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम प्रधानों समेत 205 लोगों पर कार्रवाई। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त कानपुर समेत कई विभागों को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW के तहत कई करोड़ रुपयों का जिले में हुआ भ्रष्टाचार। ग्राम पंचायत के खातों में भेजे गए रुपयों को जिला मुख्यालय में निकाल कर चहेतों को किया गया ट्रांसफर। 195 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को डोंगल को एक्टिव और रिन्यूअल कराने के नाम पर मुख्यालय पर मंगा कर निकाले गए थे कई करोड़। डीएम सीडीओ से स्पष्टीकरण तलब कर कार्रवाई के निर्देश। ग्राम पंचायत भोजपुरा के 2 सचिव व DPRO कार्यालय के तत्कालीन पटल सहायक पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश। गड़बड़ी कर निकाले गए करीब 4 करोड़ रुपए की वसूली के निर्देश। वसूली ना होने तक 195 प्रधानों के खातों में अन्य धनराशि ना भेजने के निर्देश। अपर मुख्य सचिव के पत्र के बाद जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों समेत प्रधानों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन कानपुर देहात जिले में मुख्यमंत्री की मंशा को दरकिनार कर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर डाला, जिसका खुलासा होने के बाद शासन ने मामला संज्ञान में लिया है और कानपुर देहात के 3 कंसल्टेंट को बर्खास्त करते हुए DM और CDO विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही 195 प्रधानों पर धारा 95G के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह के पत्र संख्या 142/33 को अपर प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग और निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, कमिश्नर कानपुर समेत DM कानपुर देहात और अन्य विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पत्र जारी होने के बाद जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत निदेशालय से भेजी गई धनराशि को गलत तरीके से निकला कर कई करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस मामले को लेकर 3 कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी की गई और उप निदेशक कानपुर मंडल, 2 DPRO और ग्राम पंचायत भोजपुरा के 2 सचिवों को निलंबित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य स्तरीय 1 नोडल कंसल्टेंट, 1 जिला PFMS और कर्मचारी की बर्खास्तगी के भी निर्देश के साथ DPRO कार्यालय के तत्कालीन सहायक पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कार्य में लापरवाही और सही से पर्यवेक्षण न करने पर जिले के DM और CDO पर स्पष्टीकरण के बाद नियुक्ति विभाग के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश के साथ 195 ग्राम पंचायतों के प्रधानों पर धारा 95G पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हम आपको बता दें कि गांव में पानी की निकासी ठीक हो, गांव स्वच्छ रहे, नालियों का पानी रोड पर बह न सके, इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाकर नालियों का पानी इस टैंक में डाला जाना था और कूड़ा गोबर फेंकने के लिए गड्ढे बनाए जाने थे, जिसको लेकर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 और 22 में कानपुर देहात जिले के करीब 347 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए भेजे गए थे। रुपए ग्राम पंचायत के खातों में जाना था, लेकिन वहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिला स्तर पर जुलाई 2022 तक रुपए ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं भेजा गया।
जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की शह पर विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता मिशन के करोड़ों रुपए को नवंबर 2022 को 195 ग्राम पंचायतों के खाते में करीब 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद विकास विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचार शुरू हुआ। जिले के उच्च अधिकारियों की शह पर विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्राम प्रधानों के रूरल प्रधानों से एक्टिवेट रिन्यूअल कराने के बहाने जिला मुख्यालय पर मंगवा लिए। ग्राम प्रधानों के डोंगल से करोड़ों रुपए अपने चहेतों को फर्मों से निकाल कर दिए गए। ग्राम प्रधान कुछ न बोल सके, जिस कारण इन 195 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और SLW के तहत कोई कार्य नहीं हो सके, बल्कि विकास के लिए आया करोड़ों रुपए जिला के अधिकारियों कर्मचारियों को भेंट स्वरूप मिल गया। गाँव है, ग्राम है दिवय, अमरौदा ब्लॉक है कानपुर देहात, और आसाराम शुक्ला हमारा नाम। भैया ये बताओ कि गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में गंदगी ना हो, पानी ना बहे, गांव में जो है गांव का गोबर बाहर ना फेंका जाए, इसके लिए सरकार के द्वारा खाद के गड्ढे और सोपी टैंक बनाने के लिए पैसा आया था, क्या गांव में एक भी बने हैं? ना, एक भी नहीं ना, बल्कि गाँव में पानी खंजा पर और सड़क पर बह रहा है। तो 7,46,000 रुपये एक साल पहले उठाए गए थे, तो वो पैसा कहाँ गया? अब ये तो सरकार जाने, अब हम कहाँ का किस तरह से इसका यूज करूँ। वो यहाँ कोई सेफ्टी टैंक बना ही नहीं है, पानी का बहाव बहुत गलत प्रदूषण से है। यहाँ कोई टैंक सेफ्टी टैंक तो बने नहीं पूरे गांव में। हम भूत अध्यक्ष भाजपा से, इसमें जो है जिले के ही कुछ उच्च अधिकारी और जो इस विभाग से जुड़े हुए कोई प्राइवेट कर्मी हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं, और प्रधानों से मिल करके जो है उन लोगों ने खाते से उनके सब नंबर वहीं मंगा लिए, और जनपद से ही OTP आ करके और उनके जो है खातों से पैसा निकाला गया, और उसमें जो है उच्च अधिकारी स्तर के अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल है और दबाव कर्मचारियों के ऊपर पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का मामला खुलने के बाद जिले की DM ने जांच पर कार्रवाई का हवाला दिया है। वहीं जिले के DM ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के जिम्मेदारों ने दोषियों को बचाते हुए जांच के बाद जिले की कोतवाली अकबरपुर में अज्ञात के खिलाफ IPC की धारा 420 और 409 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। कि जो प्रकरण आपने बताया है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आपने ऐसे बोला है, हम लोग ये प्रशासन के स्तर से और उसमें एक कमेटी बना के हम लोग जाँच कर रहे हैं, और जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करी जाएगी। सर, इस प्रकरण पे कुछ लोग इस्तीफा दे के यहाँ से चले गए, कुछ लोग ट्रांसफर करा के चले गए। यदि किसी ने भी वित्तीय गबन किया है या इस तरह से गलत किया है तो इस्तीफा दे के चले जाने पर भी विधिवत FIR होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो इस्तीफा दे के चले गए तो उन पर कार्रवाई। भारत स्वच्छ मिशन का रुपए भेजने के बाद 6 महीने तक ग्राम पंचायत के खातों में रुपए नहीं भेजा गया। शासन के निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को आवंटित रुपए ग्राम पंचायत के कंप्यूटर के द्वारा निकाल कर खर्च किया जाना था, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की सह पर करोड़ों रुपए को जिला मुख्यालय के कंप्यूटर से निकाला गया है, जिसके चलते भारत स्वच्छ मिशन ग्रामीण के 3 कंसल्टेंट विमल पटेल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार को बर्खास्त किया गया। वहीं जिले के पर्यवेक्षण अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कानपुर देहात के DM और CDO से स्पष्टीकरण तलब कर नियुक्ति विभाग के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही कानपुर मंडला के उपनिदेशक पंचायती राज अभय कुमार शाही, कानपुर देहात की तत्कालीन DPRO अभिलाष बाबू को निलंबित करते हुए अनुशासित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नोडल राज्य स्तरीय कंसल्टेंट कानपुर देहात संजय कुमार चौहान और PFMS विशेषज्ञ राहुल गुप्ता की बर्खास्तगी के निर्देश के साथ ग्राम पंचायत भोजपुरा के पंचायत सचिव पुनीत कुमार, राजीव द्विवेदी के निलंबन के निर्देश दिए गए। तत्कालीन पटल सहायक DPRO कार्यालय कानपुर देहात के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पूरे मामले में संबंधित 195 ग्राम पंचायतों के खातों से निकाले गए रुपए की वसूली किए जाने तक ग्राम पंचायत के खातों में दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाई गई। 195 प्रधानों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धारा 95G के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।